नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास भजन पलवाटी कॉलेज की ओर से। बेटा अब छुट्टियों के बाद में देखो, हमने आपको ध्यान दिलवा दिया हमने आपको क्या कराया था। इससे पहले जो आपका टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी में, वो था आपका अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिकाएँ, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, फैलोपियन नलिकाएँ ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आपको याद आ रहा होगा, देखो डायग्राम बना के देखते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से डायग्राम होता है मादा जनन तंत्र का, इस तरीके से होता है। और ये आपके अंडाशय लगे होते हैं दोनों, ये आपके क्या हैं, अंडाशय होते हैं लेफ्ट का भी और राइट का भी। ये आपकी फैलोपियन नलिका होती है जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और ये आपका क्या है, गर्भाशय, ये भी हमने पिछली क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लिया है। इसमें मेन आपको क्या याद रखना है, गर्भाशय में तीन स्तर होते हैं। कौन से होते हैं, पेरिमेट्रियम, मेरिमेट्रियम और एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है ना, तो हमने गर्भाशय के अंदर भी हमने तीनों जो आपके पार्ट हैं या भाग हैं हमने तीनों को पढ़ लिया है। ठीक है ना, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम तीनों हो गए। अब गर्भाशय के नीचे जो भाग होता है ये होता है भैया किसका, योनि का यानी कि वेजाइना का। ये गर्भाशय होता है जिसमें गर्भ ठहरता है, गर्भ रहता है पूरे 9 महीने तक। इसके नीचे जो हिस्सा होता है वो होता है आपके योनि का। तो आज बेटा जो टॉपिक शुरू करना है हमको, वो डालना है आपको योनि। ठीक है, नंबर 4 या जो भी कोई नंबर आ रहा हो इसके हिसाब से आपको योनि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेजाइना, वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये मूत्राशय मनासे के पास स्थित होती है और ये बहुत लचीली और पेशी नलिका होती है। और ये क्या होता है, जो मादा होती है इसका मैथुन स्थल भी होता है। जैसे कि अगर नर की बात करें तो उसमें मैथुन स्थल क्या होता है उसका, उसमें मैथुन स्थल उसका यानी कि बाह्य जननांग पीनस होता है यानी कि उसका शिशन होता है। लेकिन मादा के अंदर यह योनि ही इसका मैथुन स्थल होता है। ठीक है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, मैं जिसके नीचे अंडरलाइन कर दूँ नोट्स के नीचे वो लाइन आपको लिखनी है फोटो में देख के, बाकी समझ लीजिए। ठीक है, और इसी के द्वारा क्या होता है, इसी के द्वारा देखो इसका प्रसव भी ये योनि के द्वारा करती है। प्रसव मतलब बच्चे का जन्म भी योनि के द्वारा ही होता है। और इसमें रजोस्राव जो होता है, हर महीने जो मासिक धर्म होता है ना, वो भी आपका योनि के द्वारा ही स्राव होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में श्लेष्म कला पाई जाती है। श्लेष्म माने चिकनाहट, एक कला होती है वो पाई जाती है जिसके कारण ये हर समय गीली बनी रहती है। अंदर से कैसी होती है, गीली होती है। अच्छा, इसकी जो जो योनि है ये वाला पार्ट, इसकी ग्रीवा जो होती है ये कहाँ खुलती है, यह भैया खुलती है अभी गर्भाशय में, और दूसरी ओर यह खुलेगी बाहर, बाहर की ओर यानी शरीर से बाहर की ओर खुल जाती है दूसरी तरफ। अच्छा, एक बात और है, जो कौरी कन्याएं होती हैं उनके योनि के मुख पर एक पतला सा एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं, हाइमन। क्या कहते हैं झिल्ली को, पतली झिल्ली को बोलते हैं योनिच्छिद, योनिच्छिद, या आप सीधा याद रखेंगे हाइमन, HYMEN। लेकिन आप बेटा ये बात याद रखेंगे कि अगर ये झिल्ली ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उस वो लड़की जो उसकी वर्जिनिटी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। कभी कभी खेलने से, कूदने से, ज़्यादा दौड़ने भागने से, साइकिल चलाने से भी यह हाइमन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अगर ये किसी का हाइमन नहीं है किसी लड़की का तो इसका मतलब कि वो किसी से मीटिंग कर रखी है, ऐसा नहीं होता है। हाइमन जो है आसानी से व्यायाम करने से या कोई ज़्यादा काम करने से, बॉडी का साइकिल चलाने से आसानी से टूट जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा कि योनि होती है आपकी वजाइना, इसके अंदर ना बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और जिससे क्या बनते हैं, कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, कार्बनिक अम्ल बनते हैं जिसकी वजह से इसका पूरा जो वातावरण है अंदरूनी वो अम्लीय हो जाता है। अब कहोगे सर अम्लीय होने से क्या फ़ायदा होगा, भैया अगर इस योनि का जो वातावरण अम्लीय होता है तो जो बाहर से जो जो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया कोई भी चीज़ जाएगी ना, वो अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कि मर जाते हैं। तो इस वजह से जो अम्लीयता जो होती है इस योनि की, यह इसको बहुत सारे रोगों से बचाती है। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे याद रखनी है आपको, देखो जो जो ह्यूमन का जो नर का जो शुक्राणु होता है ना, वो भी जीवित कोशिका ही है, तो वो भी इसकी अम्लीयता में आके नष्ट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये नष्ट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो शुक्राणु निकलते हैं वो निकलते हैं वीर्य के साथ,
और वीर्य में क्या होता है, क्षारीय पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो जब क्षारीय पदार्थ अम्ल के साथ जाके मिलेंगे तो क्या है, वो न्यूट्रल बन जाएगा, वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जिससे कि आसानी से आपके जो शुक्राणु हैं वो आसानी से योनि में प्रवेश करके आपके गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका तक पहुँच जाते हैं। समझते हैं मेरी बात को? ठीक है, ये योनि में लिख लेंगे। अगला आपके क्या है, बाह्य जननांग हो गए। बाह्य जननांग, बाह्य जननांग क्या होते हैं, यानी कि अगर आप किसी महिला के वस्त्र उतार दें तो उसके जो जननांग आपको दिखाई देंगे बाहर से, वो बाह्य जननांग होंगे। अब इनमें भी कई तरह के जननांग होते हैं आसानी से, मैंने आपको बताया था पहले। एक तो सबसे पहले जहाँ पर इसका मुख्य जननांग होते हैं, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना है डायग्राम, बस आपको समझना है। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। ये क्या है, इसकी गुदा हो गई, यहाँ पे गुदा द्वार है। ये ऊपर देखो एक मोटी गद्दी होती है मादा के ना, एक बहुत मोटी मतलब एक मांसल एक रचना होती है जिसको बोलते हैं जघन उत्थान। ये क्या नाम है, जघन उत्थान, मतलब जो इनका जो योनि होती है उसके ऊपर एक बहुत मोटी क्या बोलते हैं इसको, अधिक ऊतक की बनी हुई, बहुत मोटे ऊतक की बनी हुई गद्दी समान रचना होती है जिसको बोलते हैं जघन उत्थान। और इस पर ना यौवन अवस्था में बाल निकलने शुरू हो जाते हैं महिला के, जिनको बोलते हैं जघन रोम, जघन रोम इनको कहा जाता है। और दूसरी बात, ये गुदा नीचे हो गया, ये आपकी वजाइना है। इसमें अब इसमें जो सबसे बाहर देखेंगे तो आपको बड़े बड़े दो होठ की समान रचना दिखेंगी, जिनको क्या बोलते हैं हम दीर्घ ओष्ठ बोल, दीर्घ माने बड़े, दीर्घ ओष्ठ। और बड़े होठों के नीचे छोटे दो और होठ की समान रचना दिखेंगी, ये छोटे होठों को बल्ट क्या बोलते हैं, लघु ओष्ठ। ठीक है, लघु ओष्ठ रचना होती है, और इसी के अंदर एक तुर्क रूपी समान रचना दिखती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ, उसे बोलते हैं प्रकोष्ठ। वहीं पर प्रकोष्ठ के ऊपर ना एक छोटा सा घुंडीदार रचना होती है, छोटी सी, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, या हिंदी में बोलें तो भग शिशु या क्लाइटोरिस। देखो क्लाइटोरिस कैसी, जैसे कि नर के अंदर जो उसका पीनस यानी कि जननांग होता है, यानी कि जो उसका शिश्न है, ऐसे ही महिला के शिश्न की समान रचना होती है इसका क्लाइटोरिस, एक छोटी सी गुंडी सी होती है। और जैसे नर का होता है ना, उसके अगर हाथ से टच करेंगे कुछ करेंगे तो उसमें उत्तेजनशीलता पैदा होती है, उसी प्रकार जो महिला को जो भक्षण होता है उसको टच करने से उसमें उत्तेजनशीलता आती है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, ये बस आप बात नोट कर लेंगे, डायग्राम नहीं बनाना है आपको, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम नहीं बनाना आपको, ठीक है बेटा, और बस समझ जाना है, और ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, छोटा छोटा लिखना इसके अंदर, ये ज़्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो बाकी कल पढ़ेंगे, थैंक यू।